अस्सलाम वालेकुम, K21 न्यूज के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं अबीर हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बदमाशों का हाथ क्यों रोका, ये तो गुंडागर्दी है। जालिम को जालिम क्यों बोला, ये तो दहशतगर्दी है। हमने तुमको गोली मारी, FIR भी कर दी है। क्यों कर तुमने खुद को बचाया, ये तो दहशतगर्दी है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास हंगामा और शोर शराबे में। नौ मुंतखब अराकीन असम्बली ने हल्क उठा लिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान नारेबाजी, शोर शराबे के इजलास जुम्मे तक मुलतवी। कानून के मुताबिक की जाने वाली कार्रवाइयों को सियासी इंतकामी कार्रवाई का रंग ना दिया जाए, वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं। हलीम आदिल शेख ने सुपर हाईवे ब्लॉक किया, उस पर अगर FIR हुई तो क्या गलत हुआ। PGI के लोग उनकी क़यादत से नाराज हैं। सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा को इजाजत दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रहनुमा तहरीक इंसाफ को टेक्नोक्रेट के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए उन्हें सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया था। मुत्तहिदा रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की दरख्वास्त मुस्तरद, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 दस्ता के जिमनी इलेक्शन को कलदम करार दे दिया। 18 मार्च को दोबारा पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हल्के में इंतखाबात के लिए माहौल साजगार नहीं था, वोटर्स को उनका हक मुकम्मल तौर पर अदा नहीं किया जा सका। सेनेट इलेक्शन के दौरान मेम्बरान सिंध असम्बली के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन के दौरान मेम्बरान के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। पोलिंग पर मोबाइल और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पर पाबंदी होगी। जनरल इलेक्शन में करम और जस्टा में धांधली से नतज बनाए गए। मौलाना फजल रहमान का इल्जाम, सरबरा PDM का जिमनी इलेक्शन के नतज को मुस्तरद करने का ऐलान, कहते हैं इलेक्शन कमीशन नोटिस। अगर आईन कहता है सेनेट इलेक्शन में खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मुतबादिल नहीं, वोट डालने का तरीकेकार क्या होगा, कितनी सिक्रेसी होनी चाहिए, फैसला ऐवान करेगा। चीफ जस्टिस सिद्धार्थी रेफरेंस की समाप्त के दौरान रिमार्क। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जाति उम्र में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज से मुलाकात। सिंध इलेक्शन समेत दीगर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले पर भी गौर किया गया। यूसुफ रजा गिलानी को जमहूरियत पसंद लोग चाहते हैं। हुकूमत की सपोर्ट खत्म होती नजर आ रही है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहना था गैर जमहूरी कुवतों को सियासत में शामिल नहीं होना चाहिए। 3 साल में अवाम की जिंदगी तंग कर दी गई। PTI अवाम की मुजरिम सामत है। हमें फख्र है आज इदारे आजाद हैं। तफसीली फैसला देकर कानूनी ऑप्शंस पर गौर करेंगे। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की मौबिन खसूसी सामानदार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का बड़ा फैसला, 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 1 मार्च से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। फैसला हर तालीमी इदारे पर लागू होगा। क्लासेस को छोटे ग्रुपों में तकसीम करके पढ़ाने की पाबंदी का इतलाक 28 फरवरी से खत्म हो जाएगा।
पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी आलमी वबा से मजीद 64 अमवात 1361 नए केसेस की रिपोर्ट। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,772 हो गई। मजमूई केसेस 5,75,941 तक जा पहुंचे। पाकिस्तान का अंग की जानिब एक और कदम, पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर रब्ता। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMO की गुफ्तगु अच्छे माहौल में हुई। अफसरान का LOC की सूरत हाल और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का भी जायजा। दोनों फरीक सीज फायर मुहिदे पर अमल दरामद के लिए मुत्तफिक। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत का मुखवी अफराद की अदम बाजियाबी पर IG सिंध पर इजहार बरहमी। IG सिंध मुश्ताक महर ने कहा कि लापता अफराद अमीन और इलियास के जाती दुश्मनी का मामला भी सामने आया, हर सतह पर मसले को देख रहे हैं।